गुड मॉर्निंग, मैं सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में मैं इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन पूरी तरह से डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में एक धारणा है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और फार्मूला प्रिय क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन ये मेन स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन फिजिक्स ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया है और ये टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जिसमें चार क्वेश्चंस हैं जिसमें से तीन क्वेश्चन पूरी तरह से रीजनिंग बेस्ड है और चौथा क्वेश्चन में रीजनिंग भी है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो यह क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का बेस्ट क्वेश्चन में से एक है और इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और आपके प्रॉब्लम का हम बहुत बेहतर ढंग से उसका सोल्यूशन कर सकें। क्वेश्चन एक सामने दिख रहा होगा आपको मेन स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है कि एक सोर्स है जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका टाइम पीरियड टी है, और दो डिटेक्टर है जो इसी सर्कुलर मोशन वाले प्लेन में है और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों डिटेक्टर के वजह से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो किया गया है उसका टाइम के साथ ग्राफ ये फिगर में दिखाया गया है। इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस है ये, और ये है टाइम एक्सिस है। डिटेक्टर वन का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है, और डिटेक्टर टू के लिए फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरह से। क्वेश्चन ये अराइज किया जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या है सर्कुलर मोशन करने का। क्वेश्चन नंबर टू है कि दोनों डिटेक्टर का लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन कहाँ का मतलब सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ के दोनों अंदर है या दोनों बाहर है, या एक अंदर एक बाहर है, या कौन साइड कर रहा है, ये सारे केस को डील करना है और उसमें से एक किसी एक के लिए जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है उसके लिए हमारे सारे सॉल्यूशंस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर तीन में सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर फोर में दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम एक बात आपको एक्सप्रेस कर देते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा जब डिटेक्टर बाहर होगा। तो मैंने क्या किया है, एक आर रेडियस वाले सर्कल में यह मान लिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सोर्स से ये सर्कुलेट कर रहा है। एक डिटेक्टर है आउटसाइड में, डीओ से जोड़ किया है। डिटेक्टर इस पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। जब ये सोर्स रोटेट करते हुए इस लोकेशन में पहुंचता होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन इस डिटेक्टर की ओर होता होगा, और इस समय फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और इस लोकेशन पे जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डिटेक्टर से दूर होगा तो इस समय ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे कम होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लोकेशन ये है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का लोकेशन ये है, ठीक है। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि डिटेक्टर अगर इनसाइड में है, तो अगर डिटेक्टर अगर इनसाइड में है तो क्या होगा। अगर सोर्स मान लेते हैं ये सर्कल में घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये सोर्स यहाँ पे है, तो ये पोजीशन वेक्टर और इस वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और फिर जब ये रोटेट करते हुए जब यहाँ पहुँचता होगा तो इस पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ये एंगल 90 डिग्री से फिर कम होता होगा, और फिर एंगल धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर 90 डिग्री होता होगा। तो कहीं ना कहीं एंगल जो होगा वो एक मिनिमम का केस मिलेगा। अब मिनिमम का केस कहाँ मिलेगा, इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं
कि ये जो डिटेक्टर है यहाँ से इस रेडियस के परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन खींचा है जो सर्कुलर पाथ को दो पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक जाता होगा तो ये एंगल एंगल की वैल्यू घटता होगा, और फिर जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ता है तो ये एंगल की वैल्यू बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये जो लोकेशन है वो मिनिमम एंगल का लोकेशन ये है, ठीक है, मिनिमम एंगल का लोकेशन होगा। और साथ ही साथ ये जो लोकेशन है वो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में मैक्सिमम एंगल का लोकेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस केस में इस पोजीशन पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, और इस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। ए में पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप इसको देख सकते हैं यहीं से। जैसे मान लेते हैं कि एक सोर्स है जो इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे है अभी, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दोबारा मैक्सिमम कब होगा? तो दोबारा मैक्सिमम होने के लिए इस सोर्स को एक कंप्लीट सर्कल मूव करना होगा। कहने का मतलब है कि जितना समय इस सोर्स को कंप्लीट सर्कल लगाने में लगता है उतना ही समय इस फ्रीक्वेंसी को पूरा एक कंप्लीट वेरिएशन में भी उतना ही समय लगता है। मतलब अभी ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दोबारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आने में भी उतना ही समय लगेगा। कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड और इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड दोनों सेम होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम बात देखें तो यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से दोबारा मैक्सिमम होने के लिए इस सोर्स को एक कंप्लीट सर्कल होना पड़ेगा। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ का टाइम पीरियड और इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड दोनों सेम होगा। तो हम अगर सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने किसी एक ग्राफ को आप देख सकते हैं, जैसे तो डिटेक्टर वन में ये जो लोकेशन है मैक्सिमम का है और ये मैक्सिमम है 16 सेकंड पे, ठीक है। दोबारा मैक्सिमम कब होता है? तो 40 सेकंड पे। तो 16 के बाद दोबारा मैक्सिमम होता है 40 सेकंड पे, मतलब इसका टाइम पीरियड जो होगा 24 सेकंड होगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 24 सेकंड होगा। आप देख सकते हैं, इसके लिए भी देख सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। ये जो डिटेक्टर 2 का है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 20 पे है और दोबारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 44 पे है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 24 का आता है। इसका मतलब कि दो कंजुकेटिव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो टाइम इंटरवल है वो 24 सेकंड है। इसका मतलब है जो टाइम पीरियड है वो 24 सेकंड है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन का भी टाइम पीरियड 24 सेकंड ही होगा। तो पहला का सोल्यूशन हमारा आ गया, टाइम का वैल्यू 24 सेकंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो बी है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें लोकेशन फाइंड करना है कि दोनों डिटेक्टर कहाँ पे होगा। तो हम बारी बारी से हम सारे केस को डील करेंगे और इस ग्राफ को देख करके और हमको हमें क्या करना है, जो जितना भी पॉसिबिलिटी उठता है उसमें से सारे केस को छांटना है, वो केस हमको चुनना है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता हुआ। इस केस और इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा F max is equal to F naught B by V minus Vs, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी F naught B by V plus Vs। और इस केस में ये जो इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं पोजिशन वेक्टर की तरफ, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो ये हो गया V cos alpha। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा एफ नॉट वी माइनस वी एस कॉस अल्फा, और वी मिनिमम का वैल्यू होगा एफ नॉट इंटू वी बाई यहाँ पे प्लस होगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, जहाँ वी जो है होगा वो स्पीड ऑफ साउंड है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पॉसिबल केस होते हैं डिटेक्टर का उसको कंसीडर करना है और देखना है कि जो ग्राफ है वो किस केस को सेटिस्फाई करता है। तो हम एक केस लेते हैं कि जब दोनों
आउटसाइड होगा तो आउटसाइड में तो हमेशा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतना ही होता है। डिटेक्टर वन और डिटेक्टर टू दोनों के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होगा, ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दोनों का सेम ही होगा। जबकि ग्राफ में हमें दिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोनों डिटेक्टर के लिए अलग अलग है। क्लियर है कि ये जो दोनों केस हमने लिया है वो दोनों केस इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करता है। कहने का मतलब है कि न दोनों डिटेक्टर आउटसाइड में है और न ही दोनों डिटेक्टर कॉन्साइड करता है, ठीक है। अगर हम एक केस और लें कि जब इनसाइड होगा तो क्या होगा, इनसाइड होगा जैसे मान लेते हैं ये डिटेक्टर है, ये सर्कुलर पाथ है जिसमें से दो दो डिटेक्टर डी वन और डी टू है, दोनों इस सर्कुलर पाथ के अंदर ही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल क्या है दोनों डिटेक्टर के लिए। तो ग्राफ में हम देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल कितना है। तो ये मैक्सिमम है हमारा 16 पे और इसका मिनिमम है 25 पे, ठीक है। तो 16 और 25 का बीच का डिफरेंस 9 सेकेंड, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 9 सेकेंड का डिफरेंस है। और इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम में देख लीजिए आप, ये सेकेंड वाला डिटेक्टर के लिए तो मैक्सिमम है 20 सेकेंड पे और मिनिमम है हमारा 29 पे, इसका मतलब 9 सेकेंड का इसमें भी डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो इंटरवल है वो 9 सेकेंड का है और दोनों डिटेक्टर के लिए 9 ही सेकेंड है। तो 9 सेकेंड दोनों डिटेक्टर के लिए है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, ये हमारा मैक्सिमम है, ये हमारा मिनिमम है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है बोल रहा है, मतलब जितना ये 9 सेकेंड बोल रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि दोनों डिटेक्टर के लिए 9 ही सेकेंड है, 9 सेकेंड का मतलब ये दोनों आर्क लेंथ का वैल्यू सेम होगा, आर्क लेंथ का वैल्यू सेम होगा, साथ साथ अल्फा भी सेम होगा, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों का दोनों केस में सेम होगा और मिनिमम भी सेम होगा। जबकि क्वेश्चन में साफ क्लियर है कि दोनों का जो ग्राफ है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इसमें तीनों केस जो हमने कंसीडर किया है, इसमें केस वन में ही तीनों केस ले लिया है कि जब दोनों इनसाइड होगा, ठीक है, तो भी पॉसिबल नहीं है, दोनों आउटसाइड है तो भी पॉसिबल नहीं है, और दोनों अगर एक पॉइंट पर कॉन्साइड करता है, तो ये तीनों केस के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होना चाहिए और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम होना चाहिए। जबकि ग्राफ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। हाँ, तो हमने एक केस लिया है जिसमें से एक डिटेक्टर को मैंने माना है कि सर्कुलर पाथ के अंदर है और दूसरा डिटेक्टर सर्कुलर पाथ के बाहर है। वी एस कॉस अल्फा का वैल्यू छोटा होगा वी एस से, इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये आया है कि एफ आउट मैक्स ग्रेटर देन एफ इनसाइड मैक्स, और ठीक उसी तरह से एफ इनसाइड मिनिमम ग्रेटर देन एफ आउटसाइड मिनिमम, ये दो कंडीशन हमें आता है और दोनों कंडीशन को हम देखते हैं ग्राफ में ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, या ठीक है। तो आप देख लीजिए किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किस डिटेक्टर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम डिटेक्टर वन जो है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है डिटेक्टर टू के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट, ये जो डिटेक्टर वन है वो आउटसाइड में है और ये डिटेक्टर टू जो है वो इनसाइड में है। इसी केस को ये हमारा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, इट इज़ क्लियर दैट द डिटेक्टर वन इज आउटसाइड द सर्कल एंड डिटेक्टर टू इज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी और 4 में दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ठीक है, हम ये तीसरा नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, आप ग्राफ में देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। अकॉर्डिंग टू फिगर एफ वन मैक्स देख लीजिए आप, डिटेक्टर वन जो आउटसाइड में है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1300 है, ठीक है, और इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी 800 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1300 है और मिनिमम का 800 है,
ये क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। इसका वैल्यू 1300 है, इसका वैल्यू 800 है, तो मैंने ये दो इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड कर दिया है, तो वी कट जाएगा और एक वी एस की वैल्यू आ जाएगा। तो वी एस का वैल्यू, वी का वैल्यू आ जाएगा हमारा, दिया हुआ है वी का वैल्यू 300, पुट करेंगे आप तो वी एस का वैल्यू आएगा 78.6, ठीक है। और किसी एक इक्वेशन में वी एस का वैल्यू आने के बाद किसी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वी एस की वैल्यू अगर हम यहाँ दे देंगे तो एफ नोट की वैल्यू आएगा, और कैलकुलेट करने पर एफ नोट की वैल्यू आएगा 990.36 हर्ज, ठीक है। और फिर हम इसका एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा भी निकाल सकते हैं आप। तो ओमेगा इज इक्वल टू, हम पता है कि टाइम पीरियड टी है, टी का वैल्यू 24 है, 24 सेकंड है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, तो 2π/T का वैल्यू, टी का वैल्यू 24 पुट करेंगे तो π/12 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो 25 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो वी का वैल्यू यहाँ से आ चुका है, वी एस की वैल्यू, तो यहाँ से वी एस की वैल्यू आ चुका है 78.6, ओमेगा का वैल्यू इतना है, आर का वैल्यू मिल जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमें 300 मीटर। तो रेडियस का वैल्यू 300 मीटर में हो गया, एंगुलर वेलोसिटी सोर्स का π/12 रेडियन पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ सोर्स 78.6 मीटर पर सेकेंड है, और ये सोर्स का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो फिक्स, जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो 990.36 हर्ज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें फाइंड करना है दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे ये पता चल गया कि एक डिटेक्टर जो है वो हमारा सर्कुलर पाथ के बाहर है और एक डिटेक्टर हमारा सर्कुलर पाथ के अंदर है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है दोनों के, दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस। तो हम एक ग्राफ से, ये ग्राफ से आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस है, और ये जो पॉइंट है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक आने में, डिटेक्ट करने में कितना समय लगेगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा ग्राफ से, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच का। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं ये डिटेक्टर यहाँ पे है, ये इनसाइड पॉइंट वाला, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर माना है, दे दिया है, ये जो है इस लाइन पे ओरिजिन से जो मिलाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से मिडिल पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पोजीशन होगा वो मैक्सिमम का होगा और ये पोजीशन मिनिमम का होगा। तो डिटेक्टर टू के लिए भी हम मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में डिटेक्ट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने में कितना समय लगेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप देख लीजिए ग्राफ से पता चल जाएगा कितना है मैक्सिमम से मिनिमम, इसका मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, मैक्सिमम है हमारा 16 पे, मिनिमम है 25 पे, तो 16-25 है, इसका मतलब 9 सेकेंड। तो मैक्सिमम से मिनिमम तक चेंज होने में, फ्रीक्वेंसी चेंज होने में 9 सेकेंड का समय लगेगा डिटेक्टर वन के लिए जो आउटसाइड पॉइंट है सो, और इनसाइड पॉइंट के लिए भी आप देख सकते हैं। तो ये है 20 सेकेंड मैक्सिमम, मिनिमम हमारा हो जाएगा 29 सेकेंड। तो 20 सेकेंड या 29 सेकेंड मतलब डिफरेंस जो है 9 सेकेंड। कहने का मतलब है कि दोनों डिटेक्टर जब मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा तो जो टाइम इंटरवल होगा वो दोनों केस में 9 सेकेंड ही का होगा। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 सेकेंड लगेगा सोर्स को, और यहाँ से इस लोकेशन से आई से आई प्राइम जाने में भी 9 सेकेंड ही लगेगा, ओ से ओ प्राइम तक जाने में 9 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा होगा, तो 2α एंगल बना रहा होगा, ठीक है।
चूँकि ये आर्क लेंथ दोनों का सेम है, इसका मतलब सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होगा वो भी सेम ही होगा। इसका मतलब कि ये ओ, देखिए यहाँ से ये एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये होगा 2α, ये अल्फ़ा मैंने माना है तो ये हो जाएगा 2α। ठीक उसी तरह से ये भी आर्क सेंटर पे 2α ही एंगल बना रहा होगा। एंगल निकाल सकते हैं, ओमेगा हम तो निकाल चुके हैं सोर्स का, और यहाँ से टाइम मिल चुका है, तो टाइम मिल चुका है तो आप हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2α का वैल्यू हमें मिल जाएगा ओमेगा इंटू, देखिए 2α इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, टी का वैल्यू 9 सेकेंड, तो 2α का वैल्यू 3π/4 मिल गया। ठीक है, अब हम d1 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, चूँकि अल्फ़ा मिल चुका है, रेडियस तो मिल चुका है पहले से 300 मीटर है, और अल्फ़ा मिल चुका है तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे ध्यान से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू r/d0, यहाँ वहाँ पे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू dI/r। ठीक है, तो यहाँ से d0 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा और r का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से dI का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ d0 और dI का वैल्यू यहाँ से मिल गया। निकालना है dI से d0 के बीच का डिस्टेंस, हमको ये साइड मिल चुका है, ये साइड मिल चुका है, और हमको ये पूरा एंगल बताना है। ठीक है, तो ये एंगल मुझे पता चल गया अल्फ़ा। ठीक है, और ये भी पता चल गया ये तो अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा है, तो ये भी मुझे मिल चुका है अल्फ़ा, ये भी एंगल मुझे पता है अल्फ़ा। ठीक है, ये कितना है आई ओ प्राइम के बीच का एंगल कितना है ये, ठीक है, आई ओ प्राइम के बीच के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमको टोटल एंगल यहाँ से, हमें टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ तक टोटल एंगल बताना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा टोटल एंगल हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, 2α माइनस बीटा, 2α का वैल्यू 3π/4 माइनस बीटा। बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लोकेशन आप देखिए, ये लोकेशन है क्या, ये लोकेशन है इनसाइड वाले का, मतलब डिटेक्टर नंबर 2 का, ये मैक्सिमम का लोकेशन है, और ये लोकेशन क्या है ओ प्राइम है डिटेक्टर 1 के लिए, ये मिनिमम का लोकेशन है, मतलब 1 का मिनिमम और 2 का मैक्सिमम के बीच का टाइम हमें फाइंड करना है। 2 का मैक्सिमम होगा 20 पे, और 1 का मिनिमम हो गया हमारा 25 पे, इसका मतलब दोनों का बीच का टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों का टाइम इंटरवल 5 सेकंड है। अब 5 सेकंड है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल बीटा मिल जाएगा, तो बीटा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम इंटरवल π/12 × 5, तो 5π/12, तो थीटा इज इक्वल टू होगा, थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया 2α - β, 2α का वैल्यू हमें 3π/4 मिल चुका है, बीटा का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो गया हमारा 3π/4 - 5π/12, तो ये हमारा थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल π/3 मिल गया, दोनों साइड का लेंथ मिल गया, तो हम ये कोसाइन फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया d0² d1² - 2d2 d0 d1 cos थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।